कौन है बिचौलिया भाई? तुम जिसने बिचौलिया बता रहे हो ना, बिचौलिया नहीं है, आड़ती। आड़ती है, मैं आड़तियां की मेरे नहीं ले रहे मेरे भाई, मैं आम किसान का बेटा हूं, मैंने भुगत के देखा है आड़ती। चक्रवर्ती जुकर चढ़ावे हैं, खाद बीज के कट्टिया में जुकर लादे हैं, बिना बात की दवाई 70 डाल के उनमें कमी। मैं आड़तियां की मेरे नहीं ले रहा, लेकिन तमें जो किसान ने भुकाने का बार बार काम करो, तमने दो चार कड़वी बात बताऊं। जो चौधरी छोटू राम ने बिचौलिया कहा था, सब कर गया था, बाद में बात करेंगे, पहले आज वाला बिचौलिया देख लो भाई। सरकारी खरीद के दो तरीके हैं, पहला है सरकारी खरीद सरकार के द्वारा, दूसरा खरीद की प्रक्रिया है खुला बाजार में, खुला व्यापारी खरीद है। किसान की जो मोटी मोटी फसल है, जैसे गेहूं है, बाजरा है अपनी, या सरसों है, पीआर धान है, इनकी खरीद करे है सरकार, एमएसपी घोषित करे है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और उसके ऊपर सरकार खरीद करे है। दूसरा है वह खुली खरीद, खुली खरीद हो कपास की, सरकार झूठा साचा समर्थन मूल्य घोषित तो करे है, लेकिन खरीद का काम है व्यापारियों का, वो उसने किसे वहां पे लो, कम पे लो, ज्यादा पे लो, किमें लो। और जो हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या है, पंजाब की सबसे बड़ी समस्या है, वो है अपना बासमती धान की, चाहे 1100 2100 अरब, चाहे शुद्ध बासमती हो पूसा, इसका खातर सारे व्यापारियां थी खुली छूट दे रखी है। जिसने तो हम बिचौलिया बोल रहे हैं ना, यो है बिचौलिया जो हमारी बासमती ने सरेआम मंडिया में नीलाम करे, जो बोली लाण लागे 2000 2010 2015 2020 करके जावे तेरी ले ली 2020 में डेरी। तो मेरे भाई बिचौलिया कौन है? यो जो सरकार जिसका माध्यम से खरीद करावा है ना, जिन आड़तियां माध्यम से, जिसने तुम बिचौलिया बताओ, बिचौलिया नहीं है यो, सरकारी कमीशन एजेंट है। इसका काम सिर्फ इतना है कि यो जितनी खरीद करे है उसके बदले सरकार इसने आर्डर दे है, और बदले में सरकार ने यो अपनी गेहूं पूरी दे दे, ले हमने इतनी खरीद ली और सरकार वाले ले लो और अपना मेरा भुगतान करो, उस भुगतान ने यो किसान थी कर दे। मेरे भाई जो बिचौलिया है वास्तव में, वो बिचौलिया है मर्जी के बाप है किसान की जींस ने खरीद के राका कई गुना बना के बेचने वाला। ये बासमती धान में तुमने बता दू कौन है बिचौलिया, सबसे बड़े बिचौलिए अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप है बासमती धान की खरीद में पूरे देश में। तुमने तो कदे देखा नहीं होगा, कदे मंडी में जाके मेरे भाई बैठ के देखियो, जिन बोरिया में तारी कणक गल है, तारी अपनी बासमती गल है, उसका देखियो किसकी चिट लग है, किसी का अडानी की पाओगी, किसी का रिलायंस की पाओगी, किसी का अंबानी का नाम लिखा पाओगा। ये है वह देश के सबसे बड़े बिचौलिए जो किसान की जींस नहीं बिकला, केवा बेची गई है बतारी अपनी 1100 2100 केवा बेची गई है, 2200 2300 तक पिटी है, 2700 2800 को भाई बेच गया होगा, को तीन भी बेच गया होगा, ले बला विसरा भाई। 2013 में मेरे भाई यह बासमती मन्ने 4600 रुपये बेच रखी बासमती 1100 2100, और 6000 रुपये मैंने पूसा बासमती बेच रखी 2013 में। आज पूसा बासमती के केवा है, 1100 2100 के केवा है 2200 2500 2700, कौन सा साल आज 2020 का, कौन खरीद कर रहा है? वो बिचौलिए खरीद कर रहे हैं जिनका नाम लेने की तारी तारी सरकार की हिम्मत भी कोनी, जो तारी तारी सरकार ने पैसा देके चलावे हैं। तो मेरे भाई जिस बिचौलिया खत्म करने का तुम नाटक कर रहे हो, वो यो बिचौलिया है जो मारी अपनी इसने दान ने 25 रुपये किलो खरीदेगा, 27 खरीदेगा, और पैकेट में घाल के उसका चोड़ काट के 150 रुपये किलो बेचेगा। लाल किला, लाल किला बासमती लेके आए हैं अडानी ग्रुप, लाल किला बासमती लेके आए हैं फलाने फलाने, लाल महल बासमती, पता नहीं के नाम काट रखे हैं। तो मेरे भाई यो है बिचौलिया जो 10 रुपया की चीज ने लेकर 50 रुपया में बेचे है, और किसी भाई ने ना समझ आई तो मोटा सा उदाहरण सब्जी मंडी में देख लियो। सब्जी मंडी में किसान अपनी फसल लेके जाए, मान लो मिर्च लेके जाए, मिर्च 5 रुपये किलो किसान की खरीदी जाए, और ओड़े बैठा वो अपना जो बैठा है मंडी में छोटा व्यापारी, वो उसने अगला दुकानदार थी जो गाँव में दुकान पर रेडी पल बेचे या शहर में जो दुकान कर रहे हैं, उन 5 रुपये की मिर्च 20 रुपये में बेच दे, और वो आगे 20 वाली चीज ने 40 में बेच दे है। तो ये बिचौलिया कौन है मेरे भाई? बिचौलिया सिर्फ आड़ती नहीं है, बिचौलिया वो व्यापारी है जो अपनी मर्जी के बाप है किसान की फसल न खरीदे है, और या जो मर्जी के बाप है फसल खरीदने की व्यवस्था है मेरे भाई, या ही वह जड़ है जो किसान ने खत्म कर रही है। जिस आड़ती ने तमें खत्म करके ताली बुझवाना चाहो, वो आड़ती व्यापारी नहीं है, वो किसान की फसल खुद नहीं खरीदता, वो किसान की फसल आगे नहीं बेच सकता, गड़बड़ी तो वो करे है, मान लो नमी के नाम पर गड़बड़ी करे है। मंडी में हमारी गेहूं जारी है, सरकारी मीटर आओगा, सरकारी का कर्मचारी आओगा, मीटर सा मारेगा, तेरी में तो 17% नमी है, 14% अलग सरकार अलाउड करे, 3% जाता है, तेरा 3 किलो काटा काटांगे, वो 3 किलो में थोड़ा बहुत आड़ती सेटिंग कर लेगा, थोड़ा बहुत सरकारी कर्मचारी कर लेगा, वो खा जाएंगे। और आड़ती करे है जुगर जीरी वाला मौका है, जीरी वाला मौका भी वो कर ले है, बाकी में उसने और किमें बताओगा व्यापारी ने, और किसान पे किसान ने और किमें देगा, गड़बड़ी तो आड़ती करे है, लेकिन मेरे भाई आड़ती असली बिचौलिया नहीं है। जिस बिचौलिया ने तमें खत्म करने की बात कह रहे हो, वो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो बड़े बड़े मेला में दिल्ली में मुंबई में बैठे हैं, उन लग खत्म करने की तो छोड़ो, इन तथाकथित पार्टियां के जितने किसान नेते हैं इनकी कहने की भी औकात नहीं है। ये कोरी बलफबाजी पिछले 2 दिन तक कर रहे हैं, हमने आड़ती खत्म करके ये कर दिया और वो कर दिया। तो मेरे भाई ये बात आप सारे समझ गए होगे
कि वह आड़ती में और इसमें बिचौलिया में क्या फर्क है। दूसरा मेरे भाई आड़ती पे बात आ जाए, कई भाई कह रहे हैं आड़तिया ने खा लिए और वह सरकार सीधा हमारा खाता में पेमेंट करेगी और इस पेमेंट तो भाई हमारे काचे कट जाएंगे। भाई आड़ती भी एक नहीं रह रहा है, आड़ती दो हो रहे हैं। एक तो है छोटा आड़ती जिसका हमें मंडी में अपनी जींस घेरा है और वह उसका माध्यम तक जो जरूरत पड़े वो लेने देवा। दूसरे मेरे भाई हैं ये बड़े आड़ती कौन, जो ये बड़े बड़े बैंक बैठे हैं जिनमें हमारा सारा सौदा गिरवी रखा है। चौधरी छोटू राम की बात करें, चौधरी छोटू राम की बात कर लूं, चौधरी छोटू राम के टाइम पर जो साहूकार थे जिन्हें खत्म करने का सपना चौधरी छोटू राम ने देखा था, जिसके खातर उन्होंने सारा जीवन संघर्ष करा था और जिसको लेकर दुनिया भर के नेता पैदा हुए हैं, बिला साहूकारा ने खत्म करांगे, बिचौलिया ने खत्म करांगे। उस टाइम पर साहूकार कौन थे, जो मेरे भाई मारी चीज गहने धरके और बदले में हमने कि मैं दया कर दे काम चलाने जोगे रुपये और फिर मारी फसल आंधी फसल ने गेड़ लिया कर दे और उसमें तभी खान जोगे दाने उल्टे दिया कर दे। उस टाइम के साहूकार वो थे जो हमारी फसल और जमीन और टूम ठेकरी और अपना बाकी घर का जो सामान था वो गहने दे रहा कर दे। उस टाइम के साहूकार को आया कर दे। आज के जो साहूकार हैं बड़े साहूकार वो बैंक को आवा मेरे भाई, ये तो आड़ती तो छोटा मोटा मामला है। आज के दिन जितने मेरे भाई तम बैठे हो, अगर अंधभक्ति का शिकार हो भाई, गुलामी किसी की पकड़ रखी है तो अलग बात है, लेकिन किसान का बेटा नबेरा है कि किसान की जो जमीन है वो कड़द रही है। किसान की जमीन किसी आड़ती का ना धरे, किसान के कागज किसान की जमीन तो बैंक में धरे हैं, HDFC बैंक में 2 लाख रुपये किल्लम धरे हैं, ICICI में 1.5 लाख रुपये किल्लम धरे हैं, PNB में अपने इसमें के नाम है SBI में 1 लाख रुपये किल्लम धरे हैं, रजिस्ट्री उनका नाम कर रखी है। तो मेरे भाई आज जो आड़ती है, आज जो साहूकार है, आज जो बिचौलिया, उसकी परिभाषा चौधरी छोटू राम वाली परिभाषा बहुत ज्यादा बदल गई है। आज के दिन तो ये बैंक है भाई, सबसे बड़े साहूकार जिनका सारा सौदा हमने धर रखा है और सरकार के चारी है, सरकार चारी है इन छोटे जो ये साहूकार हैं जो ये आड़ती हैं इन खत्म करके और बड़े साहूकार के किसान का सारा सौदा धरा लिया। जमीन तो धराई राखी है धारी, ईब सरकार की कोशिश की है अकबर ये जमींदार जो है टाइम पे पेमेंट तो कर दे को नहीं भाई, बाद में 5-10 साल में जाएगा ये कर्जे ब्याज बूझ छोड़ने पड़े हैं। सरकार के चार ही है कि भाई जितनी फसल ये लिया हुए हैं या घुमा फिरा के बैंक में दरवा लिया, तमने को ना पेमेंट बैंक के माध्यम से होगी, पेमेंट नहीं भाई तारी फसल बैंक में जाओगी, मतलब अनडायरेक्टली पेमेंट उसमें होगी तो उसे में चली जाएगी सारा तारा, जितनी भी तुम मेहनत करो मजदूरी करो जो तारी फसल है उसका सारा जितना है वो सारा बैंक में चला जाएगा। अगर बैंक जितने बैंक के ड्यूज हैं, जितना बैंक का कर्जा है, जितने बिजली के बिल हैं, जितने तारप है अलग अलग किस्म के एरियर हैं वो सारे काट के जे तारा को रुपया बचेगा तो देगी अरना तो अरियर है भाई। या उन भाइयों ने बता रहे हूं जो 2 दिन तक बिना बेरा ताली पीटन लाग रहे हैं, सातल पीटन लाग रहे हैं, उन्हें जी में तो है उन भाइयों का किसान की बात ठावा, लेकिन बेरा तो को नहीं असली तकलीफ के है, उन्हें बेरा तो को नहीं चक्कर के है चक्करवर्दी का, तमिनियों को उन्हें बैंक का ब्याज थोड़ा है। एक मेरे भाई छठे भी न तोड़ के देख लियो तो हमें बैंक वाली किस्त तमने बेरा पड़ जाएगा, अगिन में कौन सा चक्करवर्दी कितना डाल के, तो SDFC सेना की डन चार्जेस है कितना डाल के, इनके पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी है और साल भर वाली टूट गई तो मेरे भाई 18वें महीने में तो उनका आड़ती के ब्याज में घना फर्क रह जाता। मैं आड़ती की मेरे नहीं ले सकता क्योंकि मन ने भुगत के देख रखा है, सारी फसल गिरा के भी कई दिन तमाशा करें नहीं देंगे, लेकिन मेरे भाई अगर हमने खड्डे में तो काट के कुआं में कोई घेर दे तो वह व्यवस्था अच्छी नहीं कही जा सकती। और इस मौके पर एक तरफ तो कह रहे हैं कोरोना तक लड़ रहे हैं, तो कोरोना तक लड़ रहे हो तो कोरोना तक लड़ने के खातर मेरे भाई अपनी एनर्जी बिना बात की वेस्ट क्यों कर रहे हो, जो व्यवस्था चली आ रही थी उसके आधार पर पेमेंट कर देते। किसान का डर हुआ था, किसी किसान संगठन ने आज तक मांग नहीं करी सीधी किसान का खाता में पेमेंट करो, क्योंकि जमीनी वास्तविकता यह है किसान का जो छोटा खर्चा है बिना आड़ती के फिलहाल नहीं चल सकता। और या जो तुम पेमेंट वाली बात कह रहे हो मेरे भाई, इसका बारे में बता दूं, या मान लो पेमेंट अगर बैंक के माध्यम तो होने लगी, तीन चार मोटे नुकसान है। पहला मोटा नुकसान है भाई वो जो आप अपने मिल्ला में गन्ना मिल्ला में देखने लग रहे हो, गन्ना मिल्ला में क्या हालत है भाई पेमेंट के, अरे ये छाती तो पीटे हैं JJP वाले, किसान के खाते में आएगी गन्ना मिल्ला में कितनी पेमेंट टाइम पे हो भाई, 6-6 महीने साल 2-2 साल हो गए, 2-2 साल हो जाए पेमेंट को नहीं आंदी। तो मेरे भाई या जो कह रहे हो ना मिला सीधे किसान के खाते में पेमेंट आओगी, पहली बात तो मेरे भाई इस बात की मैं नहीं कह सकता वह टाइम पे पेमेंट कर देगी सरकार। अगर मान लो लेट कर दे है तो आड़तिया का इतना सुख है, अब कंपेन वाले के देने हैं, भैया के देने हैं, तूड़ी वाले के देने हैं, ये टाइम पे 20-30-50 हजार लाख का सारा ला दे सरकार की तो वह भी मत को नहीं भाई। तो पहली तो मेरी जो शंका है भाई, ऑनलाइन पेमेंट किसान का खत्म है टाइमली पेमेंट की है, क्योंकि गन्ना पेमेंट के बारे में लगातार तमाशा देख रहे हैं, सारा UP रोन लग रहा है, कई हजार करोड़ रुपये बकाया है। दूसरे भाई काम की बात, केवल जो पेमेंट किसान का दोहरा होगी इब काला तो उसका कोरोना का चक्कर चल गया, सरकार यह बात ना बतावे हरियाणा की, मध्य प्रदेश की तो मैंने कटिंग गिरी थी सारे भाइयों ने देख लिया होगा, सरकार पहले बैंक का काटन लग रही है फिर देने लग रही है। अगला 6 महीने में हरियाणा में यह लागू कर देंगे, मान ली इस बार ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया ना, इब काला एक बार दे के किसान ने राजी कर लेंगे, अगला 6 महीने में
सारा जो किसान का कर्जा है वो काट कर कि में बचेगा तो देंगे ना तो टाल मारेंगे। और कई भाई समझदार ज्ञानी विद्वान कह रहे हैं बिला कोई बात नहीं भाई, बैंक की बैंक में कट जाया करेगा। अरे भाई कौन साई साहब आई है जो कटान वाला है, मेरे शमी जितने बैठे हैं भाई अपने गांव में एक बार सर्वे कर लियो अपने सराउंडिंग के 10 घर का जो बैंक में तो क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रहे हैं, अगर 10 में तो 8 जने डिफॉल्टर नहीं हो रहे हो ना तो मैं छोड़ दूंगा सारा सुधा। 10 में तो 8 जने डिफॉल्टर हैं, 100 में तो 80 जने किसान डिफॉल्टर हैं जो टाइम पे ब्याज नहीं भर सकते। भरे कुकर मेरे भाई आड़ती का चक्रवृद्धि का ब्याज, फिर खाद बीज का, फिर बालक की फीस का, फिर बाई अलग, फिर बिरानी दुनिया भर के खर्चे। तो मेरे भाई 80% तो ऐसे हैं जो डिफॉल्टर हैं, जो बैंक में जाए कौन सकते, डिफॉल्टर घोषित हो रहे हैं। अगर उनकी फसल सरकार खरीद देगी, ऑनलाइन पेमेंट करेगी तो उनका तो 1 रुपया भी कौन है, उनका तो पहले का हिसाब किताब को नहीं होता। तो मेरे भाई महाराज जमींदार आज जिस हालत में है, मैं आड़ती व्यवस्था का समर्थक नहीं हूं, मैं पूर्ण आजादी का समर्थक हूं, मैं तो न्यू कहूं हूं। जो किसान एक दाने के 100 दाने बना उसने कर्जे की जरूरत के है, उसने तो आड़ती का बारना छोटो किसी दूसरे के बारे में नहीं जाना चाहिए 1 रुपया मांगने खतर। लेकिन मेरे भाई जो आज व्यवस्था चल रही है इसको इसके बराबर में विकल्प की व्यवस्था दिए बिना आप किसान को खत्म करने की ओर क्यों लेके जा रहे हो भाई। आड़तियां ना तमें बंद कर लियो, बैंक लेन देन हमारा पहला खराब, हमें जावांगे कड़ा भाई, तमें फसल गिरा के कह दोगे तेरे तो 5 साल का कर्जा चल रहा है, डिफॉल्टर हो रहा है, तरती तो कौन दें उरा आड़ती तो हमने भांगा मुंह करा दिया। भाई साहब कंबाइन जिस तक कटाई है उस कटाई के रुपये देने को नहीं किसान पे, ये आड़े फेसबुक आड़े जो से किसान बन रहे हैं, हर किसान नेते बन रहे हैं, इन्हें छोड़ के जो जमीनी किसान है भाई सब कंबाइन के देने को नहीं, तूड़ी बनवाई है उन भैया के देने को नहीं, अरागा जो फसल वो होगी उस फसल के देने को नहीं, ये तो बिना बात की बात मारा आड़े बेरा है कौन किसान मामला के है। तो मेरे भाई 80% हमारा किसान भाईचारा डिफॉल्टर है, बैंक के माध्यम से पेमेंट होगी, सरकार कर्जा काटने लगी तो 1 रुपया करानी आंदा है। तीसरी बात भाई लंबे समय तक चर्चा चल रही है, और पीछे अरुण जेटली जी जो शुभ काम करके गए थे, शुरुआत करके गए थे, जो किसान ठेके पे खेती दे हुए हैं उनने इनकम टैक्स के दायरे में ले आए, एक लिमिट सेट कर दी, उससे ज्यादा किसी का अगर ठेके की आमदनी होगी अपनी खुद की जमीन पे तो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो मेरे भाई सरकार की लंबे समय तक 1991 तक जब तक उदारवाद का दौर आया है सोच है वह किसान को भी इनकम टैक्स के दायरे में ले आया जाए, किसान को लेके आया जाए, ITR भरे, ज्यादा कोई कमाई करता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। अगर किसान की ऑनलाइन पेमेंट आड़ा यू मामला चल गया मेरे भाई तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 2-4 साल के भीतर इनकम टैक्स के दायरे में किसान ने ले आवे। तो मेरे भाई किसान को तो चारों ओर तक घेर के मारने की कोशिश है, यो आड़ती सिस्टम था या व्यवस्था भी खराब थी भाई, ये भी बड़े चक्कर कटाम है, बड़ी जायत ले हुए आड़ती भी, सारे तो एक से को नहीं लेकिन अधिकांश इसे हैं जिन का मेरे भाई घना ज्यादा हन्यू को नहीं भाई प्रेम हो, बार बार प्रेम की बात हो रही थी, प्रेम तो कोई ज्यादा को नहीं, उनका धंधा है किसान का धंधा है, जरूरत के आधार पर जुड़ रहा है, क्या करें ना भाई एक ना दूसरे की जरूरत है तो दोनों ने एक दूसरे की जरूरत है जहां तक काम चल रहा है, तो कोई सराहने वाली बात तो आड़ती आगे है नहीं, लेकिन भाई जमींदारा की हमारी मजबूरी है, हमारे द्वारा अल्टरनेट विकल्प की व्यवस्था नहीं है, अल्टरनेट विकल्प जो सरकार देने लग रही है बैंक के माध्यम से, वह बैंक मेरे भाई वह चौधरी छोटू राम वाले साहूकार हैं जो उस टाइम पर हमारी छोटी मोटी चीज धराया करते, आज हमारी जमीन धराए बैठे, तो टाइम पर अगर उनकी पेमेंट ना हुई इन बड़े साहूकार की, इनका जो कर्जा 20-20 लाख हो गया तो मेरे भाई जमा मारे जाओगे। ये बात आ गई भाई।